केबीसी फ्रॉड वालों ने लोगों के साथ फ्रॉड करने का एक नया तरीका निकाला है फिर से। यहाँ पर देखिए, मेरे हाथ पे एक फाइल है जो कि केबीसी की तरफ से आया हुआ है। स्कैमर इस तरीके का फाइल एक रेडी करते हैं एंड इसको जेरोक्स करके बाय पोस्ट लोगों को सेंड कर देते हैं रेंडमली, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या लिखा है, डियर कस्टमर यू हैव विन द प्राइस ऑफ 25 लाख बाय केबीसी, प्लीज कलेक्ट योर प्राइस अर्जेंटली बाय फॉलो द कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशन, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द लॉटरी प्लीज कॉन्टेक्ट आस। तो यहाँ पर नीचे इस स्कैमर का नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर टाइमिंग भी लिखा है ऑफिस का, ठीक है, सुबह 9 बजे से शाम 6 PM, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस स्कैमर को लाइव कॉल करेंगे एंड देखते हैं ये स्कैमर कितना स्मार्ट है, कितना स्मार्ट तरीके से लोगों के साथ फ्रॉड करता है। तो अभी मैं डायरेक्ट इनको कॉल कर रहा हूँ। सो मैंने कॉल कर दिया इनको, ठीक है, रिंग जा रहा है एंड आइए बात करते हैं। हेलो हेलो सर, गुड आफ्टरनून। जी सर, जियो केबीसी कंपनी में आपका स्वागत है, बताइए सर। और एक्चुअली सर, मुझे ना केबीसी के तरफ से एक फाइल आया है, बाय पोस्ट आया था ये, ठीक है सर। अच्छा, ये कब की डेट में आया है सर? सर कल की डेट पे आया, कल सुबह आया था कल? 9 बजे। अच्छा, कल की डेट में सर। तो मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम तो सर अभिषेक शर्मा। अच्छा, अभिषेक शर्मा जी, तो ये मतलब आपका मोबाइल नंबर क्या है ताकि हम यहाँ से चेक कर सकें कि जो है जी आपका जी लॉटरी जो है निकला है या नहीं निकला है। हाँ जी जी सर, नंबर तो सर यही है, एक बार चेक कर लीजिए। अच्छा, जिससे हमारी बात हो रही है। जी 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 सर, ओके ओके, एक मिनट वेट कीजिए, मैं अभी लाइन पर ही हूँ, मैं सिस्टम में चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है सर, चेक करके बताइए। फोन को म्यूट कर दिया। सो काफी स्मार्ट जी तरीके से सर, बात मैनी कर रहे मैनी हैं। कांग्रेचुलेशन सर, आपको हमारी कंपनी की तरफ से 25 लाख का लॉटरी सर विन हुआ है, 25 लाख के विनर आप हुए हैं सर, आपको आपके पूरे परिवार को सर मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन। सर क्या सच में बोल रहे हो? हाँ जी सर, आपको बिल्कुल मिला है सर, आपको भरोसा नहीं है क्या? सर सर आपको लगता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन सर, ये जब फाइल आया था, जब मैंने यहाँ पर पढ़ा फाइल पे क्या लिखा, तो तभी मुझे भरोसा हो गया था। जी, देखिए आपको बाई पोस्ट गया है, हमारी कंपनी की तरफ से आपको बाई पोस्ट भेजा गया है, जी सर, और देखिए उसमें सारा डिटेल्स आपका नाम वगैरह दिया होगा, वो चेक कर लीजिए आप अच्छे से, ठीक है? हाँ सर, ये बताइए पहले, हाँ जी ये जो लॉटरी अमाउंट कितना बताया था? जी 25 लाख रुपए सर आपको हमारी कंपनी की तरफ से बिना मिला हुआ है। हाँ सर, ये बताइए कि आखिर ये प्राइस मुझे ही क्यों मिल रहा है, मुझे ही जी क्यों? जी सर जी, देखिए हमारी जियो कंपनी के पूरे इंडिया में बहुत ढेर सारे कस्टमर हैं सर जी सर, वो तो पता है। हाँ जी, जिसमें सर जो सबसे ज्यादा पुराने कस्टमर हैं उन्हीं को सर ये दिया जा रहा है ऑफर में सर। तो सर आपका, आप कितने दिन से जियो का सिम चला रहे हैं? मैं तो लगभग सर 6 साल होने वाला है सर। जी, देखिए 6 साल चला रहे हैं, इसलिए आप हमारे सबसे ज्यादा पुराने कस्टमर हैं, इसीलिए सर आपको चुना गया है। ऐसे ही 1000 कस्टमर को और भी चुना गया, यानी टोटल जो है 1000 जियो के जो कस्टमर हैं जो सबसे ज्यादा पुराने हैं उन्हीं को सर ये 25 लाख रुपए का लॉटरी सर दिया जा रहा है, जिसमें सर और आपका ये जी सर आपका कहने का मतलब ये है, 2022 में जी 1000 जियो कस्टमर को आप 25 लाख दे रहे हो? जी जी सर, जो सबसे ज्यादा पुराने जो हमारे कस्टमर हैं, जो सबसे ज्यादा दिनों से सिम जी कार्ड हमारा यूज कर रहे हैं कंटिन्यू। जी सर, जी सर, जी सर, लेकिन सर आप ये बताइए, जी, इतना बड़ा अमाउंट आप 1000 लोगों को दे रहे? इसमें बहुत ज्यादा फायदा सर, अच्छा इसमें सर देखिए हमारी कंपनी का इसमें एडवर्टीजमेंट होगा, आपका सर टीवी पे भी नाम आया होगा, शायद आपने देखा नहीं होगा, आपने मिस कर दिया होगा सर। अच्छा यानी कि मेरा नाम टीवी पे भी आया था, जी सर, आपका नाम टीवी पे भी आया होगा, आपने और ध्यान नहीं दिया होगा, ये आपने कब देखा आया नहीं था सर, होगा। कब आया था ये? जी सर, ये अभी लगभग आज से 7 दिन पहले आया होगा, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, तभी जो है आपको ये कुरियर द्वारा किया गया है। अच्छा टीवी पे कौन से चैनल पे आया था सर, जी, ये सोनी चैनल पे आया हुआ था, सोनी यानी न्यूज़ पे। कि सोनी चैनल में कौन बनेगा करोड़पति में मेरा नाम आया था? जी, आपका ही नाम आया था सर। जी अच्छा सर, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया। तो सर बताइए, ये जो 25 लाख रुपए है, इसे जी लेने के लिए अभिषेक क्या क्या करना होगा? जी जी अभिषेक जी, मैं बिल्कुल आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ कि आपको ये कैसे मिलेगा। जी बताइए। एक्चुअली सर लेने के लिए देखिए आपको पहले वेरिफिकेशन करवाना होगा, आपका आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होगा, हाँ सी ठीक है सर।
तो इसके लिए सर आपको अपना आधार कार्ड का एक फोटो क्लिक करके हमें इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना होगा। हाँ सर ठीक है जी, और साथ में एक अपना फोटो ओके वो हमें भेजना होगा, और जिस भी बैंक में पैसा लेना चाहते हैं उसका अकाउंट नंबर आप हमें अच्छा भेज सकते हैं या फिर उसका पासबुक का फोटो भेज सकते हैं। अच्छा सर उसके बाद क्या होगा सर, कितना टाइम लगेगा? उसके बाद देखिए हम लोग वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद आपका जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा जी, हम आपके अकाउंट में सर यहाँ से जो भी अमाउंट है आपका 25 लाख वो यहाँ सर हम ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा यानी कि ये कितना टाइम लगेगा सर 25 लाख लेने में, क्योंकि अमाउंट तो बड़ा है ना, एक ही दिन में हो जाएगा? हाँ सर ये एक ही दिन में हो जाएगा, मैं तो आपको यही कहूँगा कि 1 घंटे में आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। 1 घंटे के अंदर सर? जी जी जी, ये अभी सर देखिए टाइम है अभी 4 बजे से पहले जो है आपके अकाउंट में हो सके तो हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, पहले आप आधार कार्ड दे दीजिए। हाँ सर, हाँ सर वो ठीक है सर, बट सर ये भी तो हो सकता है ना, मीन्स बुरा मत मानना, एक तरीके से आप फ्रॉड भी तो हो सकते हो, क्योंकि केबीसी के नाम से अरे इंडिया नहीं में नहीं सर, बहुत लोगों के नहीं साथ नहीं फ्रॉड कोई, हो चुका है। अरे सर क्या बात कर रहे हैं सर, आपको डाउट हो रहा है क्या? नहीं सर डाउट तो नहीं है सर वैसे, देखिए बट सर मैं थोड़ा आपको बहुत पूरा अभी प्रोसेस, अमाउंट बढ़ा। देखिए मैं आपको, एक बताइए मिनट रुकिए, मैं आपको पूरा प्रोसेस पहले समझा देता हूँ कि कैसे जी, आपको ये अमाउंट समझाइए। मिलेगा। हाँ देखिए देखिए 25 लाख रुपए जो है हम आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, जी सर, सबसे पहले हम लोग आपके अकाउंट में 1 रुपये डालेंगे, ठीक है एक रुपया ठीक है जी, 1 रुपये डालेंगे, आप चेक कर लीजिएगा कि जो है आपके अकाउंट में 1 रुपये आया या नहीं आया, ठीक है, जब आपके अकाउंट में 1 रुपये आ जाएगा हाँ तो सर, हमें बता दीजिएगा, ठीक है, हाँ सर। और फिर ये हम एक लोग यहाँ रुपये सर, ये 1 रुपये कहाँ से डालोगे? जी हम अपने बैंक की तरफ से डालेंगे चेक करने के लिए कि आपके अकाउंट में पैसा जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। तो चेक क्यों करना है सर, बैंक खाता है तो आएगा ही नहीं सर, आधार कार्ड सबको तो आपके पास है, बैंक डिटेल्स तो मैं दे ही दूंगा, पर चेक क्यों करना है, डायरेक्ट भेजिए 25 लाख। और नहीं सर नहीं ये देखिए सर, ठीक है आप 1 रुपये वो समझ गया सर, अगर 1 रुपये जी जी देखिए फिर देखिए मान लीजिए जी सर आपने 1 रुपये ट्रांसफर किया मुझे SBI से, जी मान लो अगर मेरा ही अकाउंट है, उसके बाद सर क्या 25 लाख में से 1 रुपये काट दोगे? नहीं नहीं सर, देखिए आप 1 रुपया आपके अकाउंट में जब आ जाएगा तो जी उसके बाद हम लोग एक OTP भेजेंगे, वो OTP आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, OTP हाँ वो OTP आप हमें बताएंगे, उसके बाद आपके अकाउंट में वो 25 लाख रुपए जो होंगे वो पूरे पूरे डाल दिए जाएंगे, बट क्रेडिट हो सर जाएंगे सर। OTP क्यों? OTP तो शेयर नहीं करना चाहिए ना कभी भी। नहीं देखिए सर ये जब इतना बड़ा ट्रांजेक्शन किया जाता है तो सर वो आपको तो सर इतना तो सर वेरिफिकेशन किया जाता है ना बैंक की तरफ से, तो सर वो तो आपको OTP देना पड़ेगा। अच्छा सर ठीक है, बाकी मैं समझ गया, अभी मुझे क्या करना है, आधार कार्ड पैन कार्ड बोला था आपने, जी जी आधार बहुत कार्ड सही तरीके पैन से कार्ड आधार और कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो मुझे, अच्छा मैं सेंड करना है, मैं सेंड कर रहा हूँ सर, पासपोर्ट 5-10 मिनट टाइम दीजिए, मैं सेंड कर दूंगा, उसके जी बाद 1 घंटे के अंदर मेरे अकाउंट में 25 लाख आ जाएगा, जी जी बट इतना ही। जी जी सर, जी सर आ जाएगा। और मैं सर एक आपको एक चीज और बताना चाहूंगा सर, देखिए सर आपको ये 25 लाख रुपए जो 25 लाख दिए जा रहे छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है सर, हाँ सर वही तो मुझे टेंशन तो है, इतना इसमें बड़ा सर अमाउंट। जी, तो इसमें सर गवर्नमेंट की तरफ से इनकम टैक्स जो है वो जमा करना पड़ेगा, तो हाँ इसमें सर सर ये आप इनकम टैक्स तो पैसा मेरे अकाउंट में आएगा तो मैं इनकम टैक्स पे कर दूंगा, उसे उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी पता है इतना बड़ा अमाउंट आ रहा है तो इनकम टैक्स देना पड़ता है, 5 लाख लिमिट है जी जी 1 ईयर का, क्योंकि मेरा छोटा सेविंग अकाउंट है, तो हाँ सर हाँ ठीक है मैं वो पे कर सर, दूंगा, उसमें क्या दिक्कत है? वो सर देखिए 16,800 रुपये आपको सर जमा करना पड़ेगा, 16,800? हाँ जी हाँ जी, वो 16,800 जब जमा करेंगे तो तुरंत आपके अकाउंट में सर ये 25 लाख रुपए डाल दिए जाएंगे यहाँ से। हाँ ठीक है सर मैं जमा कर दूंगा, और ये इनकम टैक्स कहाँ जाके जमा करना पड़ेगा सर? ये सर हम आपको देखिए यहाँ पे कंपनी का पूरा अकाउंट नंबर देंगे, अगर आप गूगल पे फोन पे चलाते हैं तो आपको फोन पे नंबर प्रोवाइड कर देंगे, उसमें सर आप डाल दीजिएगा, ठीक है, फिर हम आपके अकाउंट में सर 25 लाख रुपए डिपॉजिट करवा देंगे। ये कहाँ का रूल्स है सर, पैसा आने से पहले इनकम टैक्स दे दूँ, ये कौन सा रूल्स है सर? इनकम टैक्स तो देखिए सर पैसा अकाउंट पे आने के सर देखिए बाद ही तो आपको इनकम लेना है टैक्स कि पे नहीं लेना है सर, आप इतना जानकारी कर रहे हैं सर, नहीं नहीं देखिए नहीं आप बहस कर रहे हैं आप, सर बिल्कुल हाँ लेना है सर, भरोसा कर रहा हूँ मैं, लेकिन देखिए आप सर हमने आपको देखिए अगर हम जाते तो आपको ये पैसा नहीं देते, ये कंपनी खुद रख लेती, लेकिन सर हम जाते नहीं कि किसी भी कस्टमर का नुकसान हो, इसलिए हमने आपको जो है कुरियर करवा दिया, आपको जो है पोस्ट बाई पोस्ट हमने आपके घर पे भेज दिया ताकि आपका नुकसान ना हो सर, सर, उसके आपको ये लिए तो समझिए कि सर जो है हाँ उसके लिए तो थैंक यू सो मच सर, ठीक है थैंक यू सो हाँ मच। देखिए आपका नाम TV पे आया था लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, हाँ तो हमने सर सोचा चलिए कोई बात नहीं है हम जो है बाई पोस्ट ही भेज देते हैं। अच्छा, और ये बाकी हाँ 1,000 कस्टमर को भी आपने बाय पोस्ट ही सेंड किया?
नहीं, उसमें जो है कुछ लोगों ने जो है रिस्पॉन्ड नहीं किया, टीवी पे नहीं देखा, तो हमने जो है अच्छा उसमें से कुछ लोगों को भी बाई पोस्ट भेजा है जिसमें आपका भी नंबर है। हाँ 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 सर सर हाँ तो ये है सर। ठीक है तो सर सर देखिए आपको, अगर पैसा चाहिए तो सर देखिए वो टैक्स आपको जमा करना ही पड़ेगा, ऐसे तो सर बिना टैक्स के आगे कोई प्रोसेस नहीं हो पाएगा आपकी फाइल सर आपकी। इतना बड़ा अमाउंट फ्री में दे रहे, कौन नहीं लेगा सर? 25 लाख रुपए बिल्कुल होगा सर। जी तो जी सर, बिल्कुल सर, आप एक काम कीजिए ना सर, तो इनकम टैक्स कितना बताया था आपने? ये 16,800 रुपये है तो आपका कंपनी सर आपकी सोलह कर रही हजार है। आठ सौ के सर 20,000 ही काट दो 25 लाख में से, बाकी पैसा भेज दो वहां नहीं से। नहीं सर, अरे सर क्या बात कर रहे हैं सर, आप ऐसे कैसे कह रहे हैं सर, उसे नहीं कट सकता सर, क्यों क्यों ऐसा नहीं कुछ काट ऐसा सकते? क्यों नहीं काट सकते? पैसा तो आपके पास है सर ना। देखिए, काटेंगे तो हमारे हमारे ऊपर सर प्रेशर आ जाएगा कि जो आपने आपने कस्टमर से क्यों जो है कस्टमर के पैसे में से क्यों पैसा काटा, ऐसा नहीं होता है ना सर। आपको मतलब पूरा 25 लाख रुपए हमें दिखाना पड़ेगा कि कस्टमर को पूरा 25 लाख रुपए दिया गया। हाँ आपका आपका आइडिया मुझे समझ में आ गया, आपके ये रूल्स है ना, कंपनी का रूल्स है, मैं समझ गया। आप लोगों का रूल्स है कि पैसा मिलने से पहले कभी पैसा एडवांस देना नहीं है किसी को भी, क्योंकि अरे सर केबीसी के आपको नहीं नाम लेना है से। तो आप सीधे बताइए सर, आप बोलिए कि कैंसिल कर दीजिए तो मैं यहाँ कैंसिल कर दे रहा हूँ। आप सर देखिए कंपनी अच्छा का भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं। हाँ बात तो आप ठीक है, बिल्कुल आप सही का देखिए बोल कितने रहे हो। लोगों का, कितने लोगों से, 1,000 लोगों से लगभग बात करना है, तो सर देखिए आप में इतना टाइम लग जाएगा तो कैसे हम आगे लोगों को दे पाएंगे। चलिए सर कोई बात नहीं है, मैं यहाँ से आपका कैंसिल कर दे रहा हूँ। ठीक है सर कैंसिल क्यों करना है, क्या बात कर रहे हो? अब तो सर आप देखिए सीधे सीधे बताइए ना, क्लियरली आपको लेना है नहीं या नहीं सर लेना मुझे है। आप देखिए भाई, कब तक ये का माल आप भेज रहे हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, ये जो हाँ 25 लाख रुपये आपका पॉकेट से जा रहा है क्या? देखिए सर, ये कंपनी के नहीं अकाउंट से मेरा जा रहा मेरा है। मेरा बात का पहले जवाब दीजिए, ये जो पच्चीस हाँ लाख आपके पॉकेट से जा रहा है क्या? नहीं, देखिए बिल्कुल तो सर, मैं सुनिए, तो आपकी ये बात को समझ रहा कंपनी का हूँ। पैसा है ना, आप कंपनी पे स्टाफ हो ना, आप क्या कौन सा पोस्ट पे हो, क्या काम करते हो आप? मैं सर देखिए सीनियर मैनेजर हूँ जियो सीनियर ऑफिस की मैनेजर कंपनी हो का। जियो कॉफिस का, तो आपको सैलरी दे के रखा है, कस्टमर को अच्छे से हैंडल करना है आपको। आप एक सीनियर मैनेजर हो के ऐसे कैसे बात देखिए कर सकते हो? देखिए सर, वो मैं कस्टमर आपकी तो बात को क्वेश्चन समझ रहा करेंगे हूँ, ना। लेकिन सर कस्टमर को भी समझना चाहिए ना, लेकिन आप समझ नहीं रहे हमारी बात को, मैं आपको कब से समझा रहा हूँ सर। देखिए अच्छा आपको ये टैक्स बताओ तो देना है। ये हाँ बताओ, ये जो 1,000 लोगों को आपने ऐसा बाय पोस्ट भेजा था फाइल, राइट? हाँ तो ये फाइल में से 1,000 लोग में से कितने लोगों को चुना लगाया आपने, ये बताइए। सर क्या बात कर रहे हैं सर, आप ये चूना लगाने वाली क्या बात कर रहे हैं सर, आपके ऊपर कंप्लेंट हो जाएगा, मालूम है आपकी कंपनी कंपनी के कंप्लेन ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं सर। देखिए कंप्लेन आपको नहीं, करोगे? देखिए 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 सर, आपको डाउट हो रहा है तो बताइए, मैं यहाँ पे आपको वीडियो कॉल करके लाइव पूरा दिखा देता हूँ कि हमारी कंपनी मुझे में कैसा मुझे काम मुझे हो रहा वीडियो है। कॉल करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीडियो कॉल करके तुम लोग पीछे का वो चिपका हुआ हो ना, थ्री डी पेपर दिखाओगे, पैसा दिखाओगे, ये ऐसा बेवकूफ बनाना बंद करो। क्योंकि केबीसी फ्रॉड के बारे में भारत में सबको पता है, एंड अभी तुम लोग ये नया तरीका निकाल रहे हो ना, ये जो नया तरीका निकाले हो, मैंने देखा कि तुम लोग कैसे फ्रॉड करते हो लोगों के साथ। मैं वीडियो लाइव यहाँ पर कैमरा रिकॉर्ड करके वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा क्या यूट्यूब क्या पे तू चैनल है, ठीक है? यूट्यूब तू पे मेरा वीडियो चैनल, बना रहा है, हाँ मैं मेरा वीडियो लकी, बना सुन रहा सुन है। सुन पहले सुन, मेरा नाम है लकी छेत्री, मेरा यूट्यूब पे चैनल है, जो कि 2,20,000 लोग मेरे चैनल पे जुड़े हैं, उन लोगों को ये वीडियो मैं दिखाने वाला हूँ। वो लोग कितने लोगों तक पहुँचाएंगे ये वीडियो, एंड तुम्हारा धंधा पानी तो भाई बंद होने वाला है। फोन काट दिया इसका, जो नाम भी ये लोग बताते हैं सब फेक नाम बताते हैं। अगर वीडियो कॉल करके ऑफिस दिखाएंगे ना, वो भी पीछे 3D चिपका हुआ है। एक्चुअली देखिए बात वही है, पहले जैसे केबीसी फ्रॉड लोग फ्रॉड करते थे, वही स्कैमर है ये लोग, वही फ्रॉड लोग हैं। अब थोड़ा सा अलग किया है इन लोगों ने, थोड़ा अलग तरीके से इस तरीके का फाइल बाय पोस्ट सेंड करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने का कोशिश कर रहे हैं। एंड देखिए नया तरीका निकाला है, तो नए लोग भी फंसेंगे इसमें। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी तो मैं केबीसी के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, थोड़ा सा अलग लगा मैंने वीडियो बनाया, एंड देखिए बात तो किस तरीके से लोग करते हैं। एंड बहुत सारे स्कैमर अभी इस तरीके के स्कैम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? कर रहे हैं बहुत लोग, और लोग भी करेंगे, क्योंकि स्कैमर तो हमारे भारत में स्कैमर को कोई कमी नहीं है। सो अलर्ट रहना गाइस।